हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। माय नेम इज आकाश जसवाल एंड वेलकम टू द चैनल द सक्सेस विंग। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमारा जेई का एग्जाम स्टार्ट हो चुका है और 3 पेपर कंप्लीट हो चुका है और आज चौथा पेपर है जेई का। यही इसी बीच में एक और न्यूज हम लोग को सुनने में आया कि जो नीट एग्जाम्स है, नीट एग्जाम्स को लेकर, क्योंकि जेई एग्जाम्स पे तो कोई होप नहीं है कि पोस्टपोन होगा कि क्या होगा, पर नीट एग्जाम्स के पोस्टपोनमेंट पे एक होप बन रहा है कि नीट एग्जाम्स पोस्टपोन होने के चांसेस बन रहे हैं। क्योंकि हम लोग देख रहे हैं कि हमारे जो एजुकेशन मिनिस्टर है उनके साथ भी, हमारे राष्ट्रपति के साथ मीटिंग हुआ, उसमें भी हमें कहीं ना कहीं ये चीज लग रहा है कि ये जो नीट एग्जाम है उसे पोस्टपोन होने का चांसेस बनने का लग रहा है। पर उसी बीच में हम लोग एक चीज और देख रहे हैं कि जो हमारे 6 डिफरेंट स्टेट के सीएम्स लोग पिटीशन फाइल किए थे, रिव्यू पिटीशन, उस पर भी सुनवाई आज ही के डेट में है। आज 1:30 बजे उस पर सुनवाई होगा और उसमें क्या क्या बातें होने के चांसेस है वही आज हम आप लोग को इस वीडियो में बताएंगे। तो वीडियो पे अंत तक जरूर बने रहिएगा और चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो आइए देखते हैं कि क्या क्या बातें होने का चांसेस है। देखिए, सबसे पहले तो हमारे पास यही बातें उठ रही हैं कि जो नॉर्मली सुप्रीम कोर्ट का जो पिटीशन था, जो कि हमारे पास पहले फाइल किए हुए थे 11 कैंडिडेट के थ्रू, वो 17 अगस्त को उन्होंने उस पिटीशन को खारिज कर दिया था, उस पिटीशन को कैंसिल कर दिया था और एग्जाम्स कंडक्ट कराने का बात बोल दिया था। तो फाइनली इन सभी सिचुएशन को देखते हुए बहुत सारे डिफरेंट स्टेट्स के सीएम्स लोग इसमें इंक्लूड हुए और इंक्लूड होने के बाद वो लोगों ने क्या किया, रिव्यू पिटीशन फाइल किया 31 अगस्त को रिव्यू पिटीशन फाइल हुआ था, जिसमें सुनवाई का बात हुआ है 4 तारीख को, 4 सितंबर को उस पिटीशन के ऊपर, जो कि ये पूरे के पूरे इस पिटीशन के अगेंस्ट में थे हमारे नेशनल टेस्टिंग एजेंसी और एजुकेशन मिनिस्टर रमेश पोखरियाल सर। उसके बावजूद भी यहाँ पे एग्जाम्स कंडक्ट कराए जा रहे हैं, ठीक है, मींस ये सभी पिटीशन के बावजूद भी एग्जाम्स कंडक्ट हुए, पर पिटीशन पे डेट आना बाकी था तो डेट हुआ आज का। तो सुप्रीम कोर्ट आज उस पिटीशन पे सुनवाई करेगा, जिसमें हम लोग जानते हैं कि नीट और जेई दोनों के बारे में बात किया गया था, पर जेई का एग्जाम तो स्टार्ट हो चुका है तो वहां पे कोई भी और बात हम लोग नहीं करेंगे। हम लोग मेनली जो मुद्दा है आज का वो है हमारा नीट एग्जाम्स। नीट एग्जाम्स को लेके क्या क्या होगा, देखिए इसके बारे में बताते हैं। द जेई मेन्स इज बींग कंडक्टेड एंड वुड एंड ऑन September 6। स्टूडेंट्स आर नाउ होपिंग फॉर द पोस्टपोनमेंट ऑफ नीट 2020 एग्जामिनेशन विच इज शेड्यूल्ड फॉर September 13। द सुप्रीम कोर्ट would be hear the review petitions regarding the postponement of JEE mains and NEET exams filed by chief ministers of 6 states. It would be heard by 3-judge bench, जो कि पहले 3-judge bench ने सुनाया था, जो फैसला दिया था, जिसमें थे जस्टिस अशोक भूषण, ठीक है, बीआर गावी और हमारे पास कृष्णा मुरारी सर, ठीक है, ये तीनों ने ही इस पे नॉर्मली इस पे हमारे पास डिसीजन दिया था कि एग्जाम्स होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। अब उन्हीं का क्या कहना है, देखिए उन्हीं सब में क्या बोला गया रिसेंटली द सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट अलोक श्रीवास्तव हैज गिविंग सम होप टू ऑल पिटिशनर अगेंस्ट द एग्जाम बीइंग कंडक्टेड। एडवोकेट अलोक श्रीवास्तव हैज ट्वीटेड दैट ऑन September 4, दैट इज टुमारो एट 1:30 PM, और अ 3-judge bench लेड बाय हॉनरेबल जस्टिस अशोक भूषण विल कंसिडर 3 review petitions सीकिंग पोस्टपोनमेंट ऑफ नीट 2020 एग्जाम्स। ठीक है, उस ट्वीट पे आप लोग एक बार देखिए, हम ट्वीट आप लोग को दे देते हैं। ट्वीट में बोला गया है कि टुमारो एट 1:30 PM अ 3-judge bench Honorable Justice अशोक भूषण विल कंसिडर 3 review petitions सीकिंग पोस्टपोनमेंट, जो कि उन्होंने कल किया था, आज सुबह ही किया था इस चीज का। फिर उसके बाद से उसी में बोला गया है, उसी में बताया गया कि क्या क्या चीज के बारे में। Honorable Justice अशोक भूषण हैज रिसेंटली अलाउड स्टेट टू पोस्टपोन UGC फाइनल एग्जाम्स, और यही चीज ऑनरेबल जो हमारे पास सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस हैं जो अशोक भूषण सर, उन्होंने ये डिसीजन दिया कि जो यूजीसी एग्जाम है उसे पोस्टपोन कर, ठीक है, फाइनल ईयर के एग्जाम्स को पोस्टपोन करने का बात बोला था उन्होंने। आगे देखिए इसी में क्या बात हुआ है। एडवोकेट अलोक श्रीवास्तव इज स्टिल होपिंग फॉर द मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम्स बीइंग पोस्टपोन। यस्टरडे ही रेस्ड द एग्जाम्पल ऑफ केसेस सच एज सुशांत सिंह माइग्रेंट लेबर यूजीसी फाइनल ईयर एग्जाम्स गाइडलाइंस वेयर द एपेक्स कोर्ट सुप्रीम कोर्ट इनिशियली हैड डिसमिस्ड सम पिटीशंस ओनली टू एडमिट फ्रेश पिटीशन इन द सेम केसेस लेटर। ही सेड अलॉन्ग विद रिस्पेक्ट सीनियर एडवोकेट आई एम अगेन ट्राइंग फॉर नीट पोस्टपोनमेंट, बोथ ऑफ अस आर लुकिंग प्रो बोनो, ठीक है, ही ऑल्सो रिक्वेस्टेड देयर टू ट्राई अलॉन्ग विथ हिम टेक अ लॉन्ग एट हिज ट्वीट ब्लो, ठीक है। और वो अपने ट्वीट में इसी चीज के बारे में बता रहे हैं कि वो अब इस चीज को लेके, ये जो नीट एग्जाम्स है उसको लेके उनके मन में भी होप है कि ये एग्जाम पोस्टपोन हो जाना चाहिए, उनका ये एक्सपेक्टेशन है कि एग्जाम पोस्टपोन होना चाहिए। क्योंकि एक बार में देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, जेई एग्जाम्स क्या है कि हमारा 6 दिन के बीच में होता है, मतलब कि ये 6 दिनों में होता है, पर नीट एग्जाम्स जो है वो 1 डे एग्जाम है, तो 1 डे एग्जाम्स की वजह से वहां पे एक बार में इतने सारे क्राउड जनरेट होंगे, जो कि सभी लोग जानते हैं कि जेई एग्जाम्स से बहुत ज्यादा स्टूडेंट नीट एग्जाम्स में है, मीन्स ऑलमोस्ट डबल के आसपास है।
तो इसी रीजन की वजह से इस पे लेके कुछ ना कुछ डिसीजन लेना चाहिए गवर्नमेंट को, और कुछ डिसीजन आएगा पॉजिटिव डिसीजन ही आएगा मेरे एक्सपेक्टेशन के हिसाब से। रिसेंटली वो फिर से एक ट्वीट किए अलग अलग श्रीवास्तव सर, उसमें क्या बताया कि रिसेंटली इन सुशांत सिंह माइग्रेंट लेबर यूजीसी ईटीसी सुप्रीम कोर्ट इनिशियली डिसमिस फ्यू पिटीशंस बट लेटर ऑन द एडमिटेड सिमिलर फ्रेश पिटीशंस। और वो क्या किया, डिसमिस कर दिया कुछ पिटीशंस को और फिर उसपे एक फ्रेश पिटीशंस को फाइल किया। ठीक, अलॉन्ग विथ रिस्पेक्ट सीनियर एडवोकेट आई एम ऑल्सो ट्राइंग फॉर नीट पोस्टपोनमेंट। और वो बोल रहे हैं कि हम बहुत ही ज्यादा इस पे लगे हुए हैं कि नीट पोस्टपोन हो जाए, बोथ ऑफ अस आर वर्किंग प्रो बोनो, ठीक है, अदर मस्ट ऑल्सो ट्राई। और ये इसमें सभी लोग लगे हुए हैं, बहुत सारे लोग लगे हुए हैं पोस्टपोनमेंट को लेके। द एग्जाम वर्डिक्ट ऑफ नीट एंड जेई मेंस हैड बिकम अ बेन, ठीक है, बेन ऑफ कंडीशन बिटवीन वेरियस एकेडमिक एंड स्टेट गवर्नमेंट टू सिक्स स्टेट गवर्नमेंट हैव फिल्ड पिटीशंस इन द एपेक्स कोर्ट रिगार्डिंग द सेंटर्स डिसीजंस टू कंडक्ट द एग्जाम्स ड्यूरिंग द पेंडेमिक। एडवोकेट अलोक अलोक श्रीवास्तव says that he understand their per respective to and know they are also trying for the listening of their review, however ask the students to continue with their study without stress until the exams। और वो ये भी बता रहे हैं कि जो हमारे पास students हैं उन लोगों को अपने स्टडी को कंटिन्यू करना है, ये नहीं कि ये सभी न्यूज को लेके ये सभी न्यूज को सुन के वो लोग एग्जाम्स की पोस्टपोन हो जाएगा, मींस पूरा फाइनली उस पर फिक्स नहीं हो जाए कि एग्जाम्स पोस्टपोन हो ही जाएगा, बल्कि वो लोग स्टडी को अपना कंटिन्यू रखें, स्टडी करते रहें और एग्जाम्स का जो भी डेट आएगा वो पॉजिटिव आएगा, ये उनका मानना है। तो इसी सब चीजों के बारे में था, यही सब चीजों के बारे में बताया गया था आज का इस न्यूज में। तो आज फाइनली हम लोग 1:30 बजे का वेट करेंगे और 1:30 बजे हम लोग देखेंगे कि क्या न्यूज आया और किस तरह से न्यूज आया नीट पोस्टपोनमेंट को लेके, कि क्या पॉजिटिव न्यूज आया। तो यही न्यूज था आप लोग को देना था। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप सपोर्ट।